अनुवंशिकता का डिप्रेशन के ऊपर परिणाम, इसके बारे में मैं ये वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग हमें पर्सनली आके हमारी सलाह लेते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करके लोग हमारी सलाह लेके अच्छे होते हैं। आज मैं जो बात करने वाला आपसे, वो एक लड़का है 25-26 साल का, जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और बड़े कंपनी में नौकरी भी कर रहा है, मगर पिछले 4 महीने से काफ़ी डिप्रेस्ड है, सैड है, नर्वस है। उसको कोई समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो रोना आता है। काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और वो इधर उधर घूम रहा, दवाई ले रहा है। उसको मेरे पास में लाया क्योंकि उन्होंने एक मेरा वीडियो देखा जिसमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बोला हुआ है और डिप्रेशन के बारे में बोला हुआ है, तो इसलिए वो मेरे पास में आया कि भाई यहाँ अपना इलाज हो सकता है। ये लड़के में प्रॉब्लम क्या था कि इसको डिप्रेशन के साथ साथ होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन था, और वो बचपन से था, और उसको उसके बारे में बहुत ही गिल्टी लग रहा था। अभी 25 साल का, 26 साल का हो गया, घर से प्रेशर है कि अभी अच्छी नौकरी है, अभी तुम शादी कर लो, और घर से प्रेशर शादी के लिए हो रहा है, और इधर उसको इंक्लिनेशन है होमोसेक्सुअल। उसने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई उसका सेक्स कभी किसके साथ में हुआ नहीं, मगर उसको लड़के अच्छे लगते। फिर और जब जानकारी लिया तो ये मालूम पड़ा कि उसके घर में उसके सगे भाई ने 4 साल पहले सुसाइड किया, उसके पिताजी ने 20 साल पहले सुसाइड किया, उसकी बुआ जो है उसने सुसाइड किया हुआ है। मतलब घर में कम से कम 4 सुसाइड की हिस्ट्री, और घर में 4 डिप्रेशन, मतलब सुसाइड जो है मोस्ट प्रॉबली द कॉज वॉज डिप्रेशन, डिप्रेशन का कॉज हो सकता है, और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। मतलब फैमिली का काफ़ी सारा हेवी लोडिंग है सुसाइड का, बहुत सारी डिप्रेशन की हिस्ट्री है। इसको पिछले 4-5 महीने से प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके साथ साथ मतलब वो समझ रहे, वो लड़का खुद समझ रहा है कि मेरे को इंक्लिनेशन होमोसेक्सुअल का है, शादी का प्रेशर हो रहा है करके डिप्रेशन आ गया। इधर वो भी कॉम्बिनेशन है कि फैमिली लोडिंग बहुत है, फैमिली लोडिंग होने की वजह से डिप्रेशन उसको मतलब काफ़ी सता रहा है, और उसमें प्रॉब्लम उसका हो रहा है। तो ये दोनों बातें जब इकट्ठा हो गई, तभी उसको ठीक करना कैसा हमारे लिए प्रॉब्लम था कि उसको ठीक कैसा करें। एक तो हमने फिर डायग्नोसिस किया कि नहीं, उसको मेजर डिप्रेशन है, जो मैंने पहले मेरे कई वीडियो में बताया हुआ है मेजर डिप्रेशन होता क्या है, और उसको खास क्लासिकल साइन सिम्टम्स थे मेजर डिप्रेशन के, जिसमें उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, मतलब काम करने में कोई रुचि नहीं है, रोना आना, उदासीनता होना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कहीं हिलना डुलना नहीं, काम करने की इच्छा ही नहीं होना, नींद नहीं आना, सवेरे जल्दी नींद खुल जाना, ऐसे क्लासिकल डिप्रेशन के लक्षण भी है, उसके साथ साथ होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन भी है, और उसको अभी ऐसा हो रहा है कि अभी मैंने जॉब छोड़ देना चाहिए और मैंने अभी घर पे आके आराम करना चाहिए कुछ दिन तक, ऐसा उसको लग रहा, इसलिए भी मतलब उसको लगा कि भाई ये जॉब छोड़ूंगा तो कैसा होगा, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, मगर वो बोला मैं उसे काम ही नहीं हो रहा, मेरे से काम नहीं कर सक रहा मैं, वो भी ये बोल रहा है। तो ऐसे इसमें उसको लाया, अभी ये क्लासिकल डिप्रेशन है, उसके साथ साथ उसको होमोसेक्सुअल इंक्लिनेशन है, मगर ये भी एक अच्छी बात है कि उसने कभी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया नहीं, और उसको वो करना नहीं है, उसके करने की इच्छा नहीं। तो ये सब देखने के बाद में उसको हमने बोला कि भाई अभी हम प्लान करेंगे, हमने उसको अच्छा प्लानिंग तैयार किया कि भाई एंटी डिप्रेशन की गोलियाँ कैसे खाएंगा, किस तरह का डोज रहेगा, फिर साइकोथेरेपी कैसी होंगी, साइकोथेरेपी होने के बाद में मतलब साइकोथेरेपी के साथ साथ एंटी डिप्रेशन दवाई होंगी, और फिर सम्मोहन उपचार से, हिप्नोटिज्म से, वो उसमें विजुअलाइजेशन का टेक्निक वापर के, सेल्फ हिप्नोसिस करके उसको आराम हम कैसे दे सकते हैं, या कैसा वो आराम उसको मिल सकता है, इसके बारे में चर्चा किया। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, दवाई के साथ साथ बाकी भी बहुत ज़रूरत होती है, बाकी कुछ बोलते नहीं है। जब मैंने उसको पूछा कि तूने किसको अभी तक बताया, बोले अभी तक मैंने किसी को भी बताया नहीं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में कि मेरे को इंक्लिनेशन है, सिर्फ इंक्लिनेशन है, किसी को बताया नहीं, और अंदर ही अंदर वो घुटते जा रहा है। जब उसने मेरे पास में पूरा मन फ्री कर दिया, मोकला कर दिया, तो उसमें उसको आधा ऐसा लगा कि भाई मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे 50% रिलीफ हो गया, तो उसको लगा कि ये कोई किसी को बोलने वाले है नहीं, अपने खुद के पास में रखेंगे। जब उसको विश्वास हो गया तो उसने मन अपना खाली किया, उसको आधा तो वैसे ही अच्छा हो गया, और कुछ दिनों में डेफिनेटली ये लोग अच्छे हो जाते हैं और अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।